भोपाल में बनाई गई बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस इस कार्यक्रम को लेकर वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर रही है। बता दें कि उसी दिन कांग्रेस ने भी जबलपुर में कार्यक्रम किया था जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह शामिल हुए थे। इसके बाद कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा, जिसके जवाब में शिवराज ने भी कमलनाथ पर पलटवार किया। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर आज जोरदार हमला बोला। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पूरे नेता शिवराज के इस्तीफे के पीछे पड़े थे। बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर शिवराज सिंह की चुटकी ली। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहे हैं। सलूजा ने लिखा, फोटो के सामने कोई भी बर्दाश्त नहीं, मामा जी आप कितना भी मक्खन लगा लो, साथ चलना अभी मुश्किल है, नंबर कम है, पीछे ही चलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो एक ट्विटर में शिवराज जी से इस्तीफा तक मांग लिया। नरेंद्र सलूजा ने ज्योतिराज सिंधिया पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, जिन सिंधिया जी पर भाजपा के नेता प्रभात झा ने शिवपुरी में आदिवासी की 622 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगाया, सिंधिया जी जनजाति गौरव दिवस के आयोजन मोदी जी के साथ मंच पर हैं, आदिवासी की जमीन हड़पने वाले मंच पर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस के इस आक्रामक रुख से बीजेपी क्या पलटवार करती है।